अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक हैं। और आज की रेसिपी है ये आलू के पराठे बनाने जा रही थी मैं, तो मैंने कहा लाओ मैं रिकॉर्ड कर लूँ। और ये आलू उबले हुए हैं और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिंपल बॉयल्ड आलू हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से गले हुए हैं। और ये एक मीडियम प्याज़ है और उसके साथ मैंने हरा धनिया काटा हुआ, हर दो हरी मिर्चें, और ये चार आलू मैंने बॉईल करे हुए थे। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर अपना हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज जो मैंने काट के रखी थी वो मैंने डाल दिया है। और ये मेरा साथ ही स्पाइस जार रखा हुआ है, ये एक साथ होती हैं सारी चीज़ें। अब मैंने इसमें नमक डाला हुआ है, नमक क्योंकि मैंने बताया था आपको मैंने उबलते हुए ना नमक डाला है ना हल्दी डाली है। अच्छा, स्पाइस जार का बता रही थी मैं कि ये एक साथ का है सब, इसमें हल्दी कुटी मिर्चें आपको एक जगह मिल जाएंगी, अलग अलग की परेशानी नहीं होगी। ये मैंने हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं इसलिए क्योंकि मैंने हरी मिर्चें छोटी वाली डाली नहीं, ये भी तेज़ होती हैं। और इसके साथ मैं डालूंगी अब ज़ीरा पाउडर, ये तीन चीज़ें डाल के। और ज़ीरा पाउडर 2 पिंच के करीब डाली थी मैंने, अब मैं इसको मिक्स करूंगी। और ये अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इसको अपने पेड़े बनाने शुरू करेंगे। देखिए मेरा मिक्सचर कंप्लीट है, मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। और ये आटा खुश्की रखी हुई है और ये आटा गूंदा हुआ है मेरा। और अब मैं पेड़े बनाऊंगी। मैंने पेड़े बनाने के बाद ये पहला पराठा बेलना शुरू कर दिया। असल में मैंने डबल डबल रोटी वाला जो पराठा होता है, मतलब एक रोटी बेल के फिर एक, अच्छा बहुत से लोग उसके अंदर ही फीलिंग करते हैं, पेड़े के अंदर, सिंगल पेड़े के अंदर बनता है वो भी, मैं आपसे कभी शेयर करूँगी, मुझे वो भी आता है ये भी आता है दोनों तरीके से। अब मैं ये आपको डबल पेड़े वाला दिखा रही हूँ, मैंने दोनों ही तरीके से बनाया था, कुछ डबल पेड़े वाले बनाए थे, 2 दिन सिंगल वाले बनाए थे। अब मैंने इसको दोनों को बेल लिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करूँगी। अच्छा जी, अब मैं इसमें मैरिनेशन रखूँगी, मैरिनेशन इतनी रखूँगी कि क्योंकि ये बिलेगा तो दोबारा वो फैलेगा मैरिनेशन इसका, तो इसलिए मैंने उसमें डाल के इसको थोड़ा प्रेस किया था। और प्रेस करने के बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा हो गई है तो मैंने उसमें थोड़ा निकाल लिया था। चाहिए आपको कैमरे में देखने में थोड़ा कम लग रहा होगा, वरना थी ज़्यादा, इसकी मैरिनेशन अच्छी खासी थी। अब मैं इस पर दूसरी रोटी रख दूँगी, रख के इसको प्रेस करूँगी ताकि अच्छे से बंद हो जाए, खुले नहीं। अभी मैं इसको हाथ से देख रही थी कहाँ से पतला है कहाँ से मोटा, अब मैं इसको बेलूँगी। ये देखें आप, मैं इसको प्रेस कर कर के बेल ली हूँ ताकि आलू बिल्कुल फैलता जाए, कोनों कोनों में जाए इसके, क्योंकि वो मज़ा नहीं आता क्योंकि ज़्यादा आटा और फिर कम आलू, उसमें जो एक आलू का पराठा है, आलू का पराठे की फीलिंग ये होती है कि भाई पूरे में, तो मज़ा आता है इस तरह। अभी मेरा बेल चुका है, अमूमन क्योंकि सब बनाते रहते हैं, अब ये मेरा तवा गरम है, सबको अच्छा अंदाज़ा हो ही चुका होगा किस तरह का कैसे पराठा बनाना है, क्या जो बिगनर्स हैं उनके लिए होता है कि हाँ परेशानी है। और ये एक साइड डबल क्योंकि रोटी का पराठा है, एक साइड से सिकने में थोड़ा टाइम लेता है ये। फिर अब मैं इसको चिमटे से उठा के देखूंगी कि इसने तवा छोड़ दिया, तो यानी कि ये एक साइड से सिक गया सॉरी। और ये देखें, अब मैंने उसको दूसरी साइड पे पलट दिया ताकि वो दूसरी साइड से सिक जाए। और मैं जिस साइड से पहले सेक रही थी उस पे मैं घी लगा रही हूँ अच्छे से। अब घी लगाने के बाद मैं इसको सही से सेकूँगी ताकि क्रिस्पी हो जाए ऊपर से और अंदर से, तो आपको पता है आलू बिल्कुल अच्छा सा गला हुआ है, बिल्कुल नरम था। ये देखिए, मैंने दूसरी साइड पे इसको रख दिया है और ये मैं
घी लगाती जा रही हूँ अच्छे से के कोने पे, ताकि ये सही से सिके। अच्छा, सेंटर में से ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं मराठे बनस्बत, क्योंकि सेंटर में ज़्यादा हीट हो जाती है तवे की और साइडों में से ज़रा कम होती है। अभी आप देखेंगे आगे चल के मैं इसको दबा दबा के सेकूँगी, क्योंकि बीच में से ये देखें आप ब्राउन हो चुका है बीच में से और साइडों में से अभी इतना सिका नहीं है, और ये सिकेगा तो साइडों में से भी ऐसे ही नज़र आएगा आपको। अभी आप आगे चल के देखेंगे जब कंप्लीट होगा पराठा तो ये कैसा अच्छा सा। बस इसको ये है सेकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, 2 से 3 मिनट में ये सिक जाता है आराम से। अच्छा, डबल रोटी वाला ज़्यादा टाइम लेता है सिकने में, बनिस्बत सिंगल जो पराठा उसमें करते हैं फिलिंग। लाइफ स्टाइल सबके अलग अलग होते हैं, सब चेंज, खाने पकाने के तरीके कुछ के सेम होते हैं कुछ के अलग होते हैं। अभी देखें आप, मैं मसलसल इसको सेके जा रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिके। अब ये देखें, मैंने इसको अच्छे से मसलसल में इसको 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको सेका है, और ये देखें आप कितना अच्छे इसकी शक्ल लग रही है, गोल्डन गोल्डन सा। और ये मैंने इसके साथ सर्व किया है रेड टमाटर की चटनी है भुनी वाली, और पुदीने और हरा धनिया की चटनी है। ये तो सबको सिंपल ही पता है, और रायता भी बना सकते हैं आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।